पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। पहले ही आपके मुल्क के अंदर जो फ्रीलांसर्स थे उनका काम ठप हो गया है, जो कई लाखों डॉलर आपके मुल्क में आ रहे थे फ्रीलांसर्स की वजह से, वो काम ठप हो गया है। आपका मुल्क इंडिया में 200 अरब डॉलर्स की इस वक्त आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है, 200 अरब डॉलर्स की। आपके इंटरनेट ही नहीं है, आप कर लें मुकाबला और फिर आप ही की काम कर सकते हैं। अच्छी तरह आप जानते हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी इस मुल्क में रहना है। हाय नजमुल साकिब साहब, क्या स्पेशल केस है? पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ियात के बावजूद क्यों ट्रेड नहीं हो सकती? पाकिस्तान ने कोशिश की है, उधर से कोई जवाब नहीं आया, तो अब हमारा मौकफ ये है कि हमें ये तिजारत करनी ही नहीं। बेगर्स कांट बी चूज़र्स। उस इलाके में जो कश्मीर है वहां पे 2014 में इलेक्शन हुए थे, तो यूं समझिए कि 10 साल बाद वहां पे इलेक्शन होने वाले हैं। अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं और पता लगता है जी कि कश्मीर में तो दूध की नहरें बह रही हैं मकबूजा कश्मीर में, तो उससे जो है वो इंडिया का जो उनका वो है उसूली मौकफ, उसको जो है वो जिला मिलेगी, इधर से पाकिस्तान को तकलीफ होगी। यही तो कयामत है। नमस्कार दोस्तों, जयेंद्र। तो दोस्तों, आपने हमेशा देखा होगा कि ये पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं वो लोग खुद ही बयान देते हैं कि भाई भारत के साथ में हमें ट्रेड करनी चाहिए, फिर उसके बाद में जब इनके ऊपर प्रेशर आता है जनता का या फिर दूसरी पार्टियों का, तब ये लोग यू टर्न मारते हैं, नहीं नहीं हम भारत के साथ में ट्रेड ही नहीं कर सकते जब तक कश्मीर का जो मसला है वो हल नहीं होगा। और इनका जो मेनस्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का वो ऐसे दिखाता है अपनी जनता को जैसे कि भारत इनके साथ में, इन भिखमंगों के साथ में ट्रेड करने के लिए मराई जा रहा है। मतलब कि खाने के लिए दाना नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है मुल्क में, और ये बयान देते हैं इस टाइप के जैसे कि ये यानी क्या। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा पाकिस्तान के, और वैसे भी आपको पता ही है पाकिस्तान के हालात इस समय क्या है, मतलब लोगों के पास में खाना तो है ही नहीं, दूसरा ऊपर से चलाने के लिए इंटरनेट नहीं है पाकिस्तान में। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आखिरकार कल मंजरे आम पर आए और खामोशी तोड़ दी। उनकी गुफ्तगू वहीं से शुरू हुई जहां से हमेशा होती है। वो एक बार फिर 2017 में गए और मुझे क्यों निकाला का जवाब मांगने लगे। इसके बाद उन्होंने पंजाब के आवाम के लिए बिजली के बिलों में 500 यूनिट तक के सार्फिन के लिए फी यूनिट 14 रुपए कम करने का भी ऐलान किया। मियां साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि बिजली के बिल वाकई 1600 से 18000 तक हो चुके हैं। बिजली के बिलों में कमी वक्त की ही नहीं बल्कि आवाम की भी जरूरत है। आपने 60 रुपए पड़ने वाली यूनिट में से 14 रुपए कम किए। बेशक ये रिलीफ उनके मुंह में जीरे से भी कम है, लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया। मियां साहब, आपने सवाल किया कि वो कौन था जिसने मुल्क में महंगाई की। ये सवाल आपका जबरदस्त है कि वो कौन है जिसने बिल 1600 से 18000 तक पहुंचाया और फिर आप इस तबाही का जिम्मेदार बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को करार देकर आगे बढ़ गए। लेकिन मियां साहब, ये पूरा सच नहीं है ना। बेशक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी महंगाई के जिम्मेदार हैं, उनके दौर में ही महंगाई होना शुरू हुई, लेकिन सिर्फ यही हकीकत तो नहीं है। मियां साहब, आपने कहा कि वो कौन है जिसने बिजली इतनी महंगी की, तो अर्ज है कि वो शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि जब अप्रैल 2022 में आपकी हुकूमत आई तो बिजली का एक यूनिट 17 रुपए का था और आज वही यूनिट 60 रुपए का है। मियां साहब, आपने कहा कि आपने डॉलर को 104 रुपए पे रोक के रखा, तो वो कौन है जिसने डॉलर की कीमत बढ़ाई, तो अर्ज है कि वो भी शहबाज शरीफ ही हैं, क्योंकि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो डॉलर 180 रुपए का था, लेकिन आज वही डॉलर 280 रुपए का है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह भी बताया कि उनके दौर में पेट्रोल की कीमत कम थी, तो वो कौन था जिसने पेट्रोल की कीमत को आग लगाई, तो सर अर्ज ये है कि वो भी शहबाज शरीफ ही हैं, क्योंकि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो पेट्रोल की कीमत 150 रुपए थी, जो आज 260 रुपए फी लीटर है। मियां नवाज शरीफ ने यह भी बताया कि उनके दौर में आटा, चीनी, सब्जियां, दालें और गोश्त बहुत सस्ता था, तो वो कौन है जिसने ये सब कुछ महंगा किया, तो मियां साहब अर्ज है कि वो भी शहबाज शरीफ ही हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो मुल्क में महंगाई सिर्फ 14% थी, जो आपके भाई के दौरे हुकूमत में बढ़ती रही और 40% तक जा पहुंची थी। तो एक बार फिर अर्ज है कि किसी दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से ना ये महंगाई कम होगी और ना ही आवाम को सुख का सांस नसीब होगा। इसलिए किसने क्या कर दिया इसको छोड़कर, जिसकी हुकूमत है ना उसको आवाम के लिए काम करना चाहिए। अगर इंडिया और चीन तनाज़ियात के बावजूद ट्रेड कर सकते हैं और चाइना और वियतनाम तनाज़ियात के बावजूद ट्रेड कर सकते हैं, तो पाकिस्तान और भारत क्यों नहीं कर सकते? आपके बुनियादी जो बात आपने की है वो दुरुस्त है कि आप इख्तलाफात के बावजूद
सारी चीज़ों के बावजूद आप एक पड़ोसी के साथ अपने ये सारा काम कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है और होती भी रही है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत होती रही है तजारत हमारी। और 2011 और 12 का पर्टिकुलरली मैं जिक्र करूं तो ऐसी डेवलपमेंट्स हुई थी कि उस वक्त बहुत ज़्यादा कहा यह जा रहा था कि $3 बिलियन की हमारी है और वो $40 बिलियन तक जा सकती है, और दोनों तरफ से वो इंडिया ने हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया हुआ था 96 में, उसे रिन्यू भी किया और हमने देना था और हम एग्री कर गए थे। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा पोलिटिकली भी इशू था कि हम कश्मीर के मसले के होते हुए अगर हम इंडिया को ये करते हैं तो हमारा कंप्रोमाइज़ तो नहीं होगा स्टांस उसके ऊपर। अगर हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपकी पसंदीदा होगी, हमायत याफ्ता उसको हम उसको पसंदीदा कहते थे उर्दू में लोग, जबकि वो हमायत याफ्ता के मानों में आता था। उसमें टैरिफ बैरियर्स कम होते हैं, उसमें थोड़ा सा आपके कह लें कि जो ट्रेड बैरियर्स कम होते हैं, टैरिफ थोड़ा सा कम होता है और प्रायोरिटी होती है कि आपको दो जगह से अगर चीज़ मिल रही है तो आप पहली प्रेफरेंस अपने उस मुल्क को देंगे जिसको आपने MFN स्टेटस दिया हुआ। आप कपड़ा खरीद रहे हैं चाइना से और इंडिया से, अगर MFN स्टेटस चाइना का नहीं है इंडिया का है तो आप इंडिया को प्रेफरेंस देंगे उसके ऊपर, या इंडिया पाकिस्तान को प्रेफरेंस देगा म्यूचुअली इसी तरह से। लेकिन उसमें फिर हुआ ये कि हमारे जो अभी जिन बिजनेस मैनों की वजह से हकदार साहब ने ये बयान दिया और कह रहे हैं, उन्हें बिजनेस मैनों ने उस वक्त शोर डाल दिया कि हमारी तो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, हम तबाह हो जाएंगे, एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगी, ये हो जाएगा। उन्होंने उस वक्त बड़ी खप डाली, लेकिन इंडिया भी कुछ कम नहीं है इस मामले में, उसने भी किसी ना किसी तरीके से अपने अंदर वहाँ पे भी शोर मच गया कि पाकिस्तान के साथ अगर ट्रेड करेंगे तो इस तरह से खुली ट्रेड होगी तो बड़ा मसले मसाइल हो जाएंगे, तो वो मामला तकरीबन ठप हो गया। लेकिन आप इसमें कोई शक नहीं, आपने भी कहा इलाकाई तजारत से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, आपको कॉस्ट कम पड़ती है उसकी, आप फिर उसकी कहने के रीच आपको इमीडिएटली चाहिए तो इमीडिएटली मिल जाती है, ये नहीं है कि 40 दिन में जहाज़ पहुंचेगा और 10 दिन लंगर वो उतरेगा सामान फिर पहुंचेगा, इधर आपने बॉर्डर से क्रॉस करना है सारा करना। लेकिन मसला हमारा चीन और वियतनाम और चीन और इंडिया के जो डिफरेंट चीज़ है वो कश्मीर है हमारे यहाँ, ठीक है, हमारी जंगें हो चुकी हैं उसके ऊपर और हमारे इंडिया की तरफ से हमने देखा है कि वो कोई भी किसी स्टेज पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देते हैं। तो होता क्या है कि जब इस किस्म की कोई चीज़ होती है थोड़ी सी टेंशन बढ़ती है, सबसे पहले बॉर्डर बंद हो जाते हैं आपके, तो आप ट्रेड किस तरह से कंटिन्यूसली कर सकते हैं आपके यहाँ, और 2-4-6 महीने बाद कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। तो बुनियादी बात यह है कि जब तक आप उस मसले को जो बुनियादी वजह है सारे तनाज़े की जिसकी वजह से सारे ये मसाइल पैदा हो रहे हैं उसको हल नहीं करेंगे तो ये मामला नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकते। आप फॉर द टाइम बिंग कर लें, कुछ साल चला लें, 6 महीने चला लें, 5 महीने चला लें, 2 साल चला लें, फिर वो कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो गया या कश्मीर के ऊपर कोई इशू खड़ा हो गया जैसे अगस्त 2019 में किया उन्होंने, 5 अगस्त को मोदी साहब ने, तो ये चीज़ें उसके हल के बगैर आप ये नहीं चल सकते। तो दोस्तों आपने जैसा कि इंट्रो में देखा ये पाकिस्तानी बोल रहा था कि कश्मीर के अंदर चुनाव होने वाले हैं तो इसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा, वो तो झेलना ही पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान ने पूरा मतलब इस समय जो पाकिस्तान के हालात है वो कश्मीर की वजह से, कश्मीर के चक्कर में पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो गया और अब भी पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कश्मीर के अंदर हालात खराब किए जाएं, लेकिन इनको मुंगी खानी पड़ रही है हर जगह। बाकी रही बात ट्रेड की, देखो हमें इंडियंस बिल्कुल नहीं चाहते भाई पाकिस्तान के साथ में कोई भी संबंध रखे जाए, चाहे वो खेल हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान के साथ में भाई कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जो भी वीजा इनको मेडिकल के लिए फैसिलिटी के लिए जो मिलता है पाकिस्तानी जो इंडिया में आते हैं भाई वो भी बंद कर देना चाहिए अब इंडियन गवर्नमेंट को, इनके साथ में मतलब ऐसा संबंध कर दो कि जैसे पाकिस्तानी इस दुनिया में है ही नहीं। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय भारत।